और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। आज लखनऊ आएंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान दोपहर 2 बजे योजना भवन में करेंगे बैठक और बेसिक माध्यमिक उच्च प्रावधिकी और साथ ही व्यावसायिक शिक्षा विभाग के साथ में ये बैठक होगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी इसमें मौजूद रहेंगे और आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे धर्मेंद्र प्रधान। तो बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में धर्मेंद्र प्रधान बैठक करने वाले हैं। आगामी चुनाव से पहले भाजपा के कार्यक्रम और अभियान पर ये चर्चा की जाएगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आज यूपी पहुंचेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अवनीश हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अवनीश, आज एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे और जब जब वो उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं हम देखते हैं कि चुनावी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो जाती हैं। आज पहुंचेंगे, क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, क्या कुछ खास रहेगा, क्या कोई कार्यक्रम भी रखा गया है? देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आज लखनऊ में होंगे और 2 बजे योजना भवन में एक बैठक होगी जिसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा, इन सभी को एक संयुक्त बैठक होगी। सभी मंत्री वहाँ पर मौजूद होंगे, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद होंगे, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी मौजूद होंगे और जितिन प्रसाद मौजूद होंगे, तो तमाम जो अफसर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे। उनकी मौजूदगी में उत्तर प्रदेश में जो नई शिक्षा नीति लाई जा रही है उसको लेकर जो टास्क फोर्स बनाया गया था उसको लेकर कितना काम आगे बढ़ा है, उसकी क्या प्रगति है, उसके बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जानेंगे और साफ तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा में किस तरीके से बदलाव लाया गया है, जो नीतियां बनाई गई हैं उससे आम लोगों को कितना फायदा है, बच्चों को कितना फायदा है और जो बच्चों का शिक्षा का विकास है उसमें कितना तेजी लाई जा रही है। तो इन्हीं सब बातों को रखा जाएगा और करीब 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि नई शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश में जो तमाम योजनाएं लाई गई हैं उन योजनाओं का लाभ लोगों को कितना मिल रहा है और तमाम जो नीति बनाई जा रही है उन नीतियों का इंप्लीमेंट कितना किया जाएगा और निजी स्कूलों को इसमें कितना दायरे में रखा जाएगा, तो इन सब बातों को रखा जाएगा। तो काफी अहम बैठक ये मानी जा रही है क्योंकि संयुक्त रूप से ये बैठक है, तो हर शिक्षा के लिए ये कहीं ना कहीं तय माना जाएगा कि कुछ ना कुछ नीतियां बनाई जाएंगी और कुछ ना कुछ बड़े बदलाव भी हो सकते हैं जो प्रेस वार्ता में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उसको बताएंगे। और आशंका जताई जा रही है कि जो फीस को लेकर है कोरोना काल के दौरान तमाम जो स्कूल हैं उनमें जिस तरीके से फीस लेने पर जो मनमानी चली है उसकी भी कई शिकायतें आई थी, तो उन शिकायतों को भी दूर करने का काम किया जाएगा। और हाल ही में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सुझाव दिया था कि अगर एक घर से 2 बेटियां किसी निजी स्कूल में पढ़ती हैं तो उनमें से एक बेटी का फीस माफ करने के लिए स्कूल से अपील की जाए, अगर वो अपील को स्वीकार नहीं करते हैं तो शिक्षा विभाग की तरफ से एक बेटी का फीस दिया जाए। तो ये भी सुझाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, तो आज माना जाता है कि उस बैठक में इस पर भी चर्चा होगी। अगर इस पर किसी प्रकार का इम्प्लीमेंट होता है, प्रस्ताव बनता है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी क्योंकि कोरोना काल के दौरान तक तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं दुखद हुए हैं और साफ तौर पे है कि देखने को मिला है उनके सामने कई समस्याएं आई हैं जिससे कहीं ना कहीं उनके बच्चों काफी हद तक प्रभावित हुई है। हमने देखा कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं मिल पाई। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।